Hello students, I welcome you all to this class. Today we'll study a lesson in English for students of class 9th. This is from your Beehive books. It is a poem titled The Snake Trying, written by W.W.E. Ross. From the title only we can make out what is the poem about. The snake trying, yani ke snake koi cheez ki koshish kar raha hai. Kis cheez ki koshish kar raha hai? Snake apne aap ko bachane ki koshish kar raha hai. Is poem mein poet ye batate hain ki logon ne ye dharna banayi hui hai, log ye sochte hain ki snakes harmful hain. Snakes unhe bite kar sakte hain aur isi wajah se log kya karte hain? Unhe marne ki koshish karte hain. और पोएट ये बताना चाहते हैं कि सभी स्नेक्स हार्मफुल नहीं होते, कई स्नेक्स पॉइजनस नहीं भी होते और हमें कैटेगराइज नहीं करना चाहिए कि अगर कोई स्नेक है तो वो हार्मफुल है और उसे मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. और इस पोएम में पोएट यही बताते हैं कैसे स्नेक अपनी जान बचाने की कोशिश करता है. सो इन दिस लेसन वील रीड द पोएम, आई विल एक्सप्लेन द पोएम टू यू. I'll discuss the word meanings and then the literary devices used in the poem. So let us begin. The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin long body. How beautiful and graceful are his shapes. Pursuing means chasing or following. Agar koi cheez aapka peecha kar rahi hai. Curvings means twisting. स्नेक कैसे चलता है? अपनी बॉडी को कर्व करके, ट्विस्ट करके, कभी ऐसे 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 उसको मोड़ के, इसे कहते हैं कर्विंग्स. यहां पर देखिए लाइन वन में पोएम का टाइटल रिपीट हो रहा है, द स्नेक ट्राइंग. एंड व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग? टू एस्केप. एस्केप मींस अपनी जान बचाना, मुसीबत से बचकर भागना. टू एस्केप व्हाट? द पर्सुइंग स्टिक. हियर यू कैन सी दिस स्टिक इज ट्राइंग टू हिट द स्नेक. ये स्टिक इसे चेस कर रही है, इसका पीछा कर रही है इसे मारने के लिए. और स्नेक क्या कर रहा है? वो इससे भागने की कोशिश कर रहा है, एस्केप करने की कोशिश कर रहा है. विथ सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी. और वो इससे अपनी जान बचाने के लिए क्या कर रहा है? अपनी पतली लंबी बॉडी को ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा है, कर्व कर रहा है तेज तेज. एंड देन द पोएट सेज हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. शेप्स मीन्स जो वो मूव करता है, जब ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न करता है तो जो अलग अलग शेप्स फॉर्म होती हैं स्नेक की बॉडी की, वो बहुत ही सुंदर और ग्रेसफुल है. तो यहां पर पोएट स्नेक की प्रेज कर रहे हैं कि उसकी बॉडी की मूवमेंट्स बहुत ही सुंदर और ग्रेसफुल हैं. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा. हियर ही सेज ही ग्लाइड्स थ्रू द वॉटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. Glides means moves. Stroke means hitting of the stick. Reeds means water or marsh plants with thick stems. जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो मोटे मोटे पौधे हैं जो पानी में उगते हैं, these are marshy plants and they are also known as reeds. Further, he is describing the movement of the snake and he says that the snake glides through the water away from the stroke. तो stick के stroke से बचने के लिए snake क्या करता है? पानी में से भी तैरता हुआ, move करता हुआ निकल जाता है. And the poet says, oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. वो कहते हैं कि please उसे पानी में से जाने दो और उसे झाड़ियों के पीछे छुपने दो ताकि वो स्टिक से हर्ट होने से अपने आप को बचा सके. And he says, small and green, he is harmless even to children. Snake छोटा सा है और हरे रंग का है और वो बिल्कुल हार्मलेस है, वो बच्चों को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता. और इसीलिए पोएट ये रिक्वेस्ट कर रही है जनरल लोगों से कि प्लीज इसे स्टिक से मारने की कोशिश मत करो, ये हार्मलेस है. नाउ वी सी द नेक्स्ट आंसर. अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड एंड चेस्ड अवे एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स. Vanishes means disappears, गायब हो जाना. And reeds are the same marshy plants that grow in water. Here he says, along the sand he lay until observed.
तो ये स्नेक है जो ये पहले मिट्टी में सैंड में लेटा हुआ था चुपचाप, जब तक कि उसे किसी ने देखा नहीं था और उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन जब किसी ने उसे देख लिया तो उन्होंने क्या किया, उसे वहां से भगाने की कोशिश की और उसे स्टिक से मारने की कोशिश की। और अब वो स्नेक क्या कर रहा है, नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। अब वो पानी की जो रिपल्स हैं, जो लहरें बन रही हैं, उनमें छुप गया है, उनमें गायब हो गया है और झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया है, क्योंकि वो स्टिक की हिट से बचना चाहता है। सो दिस इज द एंटायर पोएम। आई हैव एक्सप्लेन द मीनिंग्स टू यू, आई हैव एक्सप्लेन द पोएम टू यू, नाउ वी डिस्कस द लिटररी डिवाइसेस यूज्ड इन इट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो राइम स्कीम इन द एंटायर पोएम। एज यू हैव सीन, This poem is written in free verse. Free verse means कोई rhyme या rhythm नहीं है, कोई rhyme scheme नहीं है, एक कहानी के तौर पर इस poem को लिखा गया है। Another device used is transferred epithet. What is transferred epithet? When you use an adjective with a noun, but This adjective actually refers to some other noun. आपने एक adjective यानी कि एक noun के साथ एक ऐसा quality word use किया जो कि actually इस noun को नहीं refer कर रहा, लेकिन किसी और noun को describe कर रहा है। यहां पर देखिए instance क्या है, pursuing stick. Stick is the noun and pursuing is the adjective. यानी कि एक stick है जो पीछा कर रही है, लेकिन एक्चुअली पर्सुइंग स्टिक को नहीं रेफर कर रहा, पर्सुइंग रेफर कर रहा है उस ह्यूमन बीइंग को जो इस स्टिक को पकड़ के इस स्नेक का पीछा कर रहा है उसे मारने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये स्टिक खुद से ही इसको चेज कर रही है, ऑब्वियसली स्टिक को किसी ने पकड़ा हुआ है और पर्सुइंग स्टिक इस इंसान को ही रेफर कर रही है, ना कि स्टिक को। दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। इस स्टैंजा में हमें एक और डिवाइस देखने को मिलता है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू अ मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। यहां पर देखिए, ही इज हार्मलेस, दोनों वर्ड्स हर साउंड से शुरू हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द यूज ऑफ एलिट्रेशन। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पोएम। वी हैव डिस्कस्ड द पोएम, डिस्कस्ड द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you found the video useful, please hit the like button, share it with your friends. If you have any doubts, please feel free to write in the comment section. And for more such videos, please subscribe to our channel, English Academy.